जागते रहो आज आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया क्या क्या पाया अगर तुम बावन वर्ष के हो गए और अभी भी तुम सबको परमात्मा नहीं मिला तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम अपने बावन वर्ष की तुलना में मुझे केवल बावन हफ्ते दे दो बावन हफ्ते यानी एक वर्ष तुम्हें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा जिसके कारण तुम धर्म के पथ पर चल ही नहीं पाते जिनके कारण तुम्हें आज तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ वो वो कृत्य जो धर्म के नाम पर पिछले बावन वर्षों से तुम कर रहे हो जैसे जप तप व्रत कंठी पहनना शास्त्रों को रटना बड़ी बड़ी कथाओं में समय व्यतीत करना कांवर लाना सड़क पर बैठकर कर नमाजें पढ़ना बड़े बड़े धार्मिक जलूस निकालना गंगा स्नान करना तीर्थों में भटकना इत्यादि इन कार्यों को करते करते क्या तुम थक नहीं गए क्या जिस परमात्मा को पाने के लिए तुमने ये सभी उपाय किए वो परमात्मा मिल गया मुझे कुछ लोग बताते हैं कि वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें कृष्ण के दर्शन होते हैं जरा ध्यान से देखना कि अगर तुम मुसलमान के घर पैदा हुए होते या तुम पैदा हिंदू के घर हुए और तुम्हें किसी मुसलमान ने पाला होता तो तुम्हें ध्यान में मक्का दिखता तो देखा तुमने अंतर क्या हुआ तुम्हारे ध्यान में दिखने वाली सारी वस्तुएं तुम्हारे मन का ही तो विस्तार है जिस परमात्मा का वर्णन तुम्हारे शास्त्रों में आता है कि वो परमात्मा कण कण में है वो अल्लाह जदे जदे में समाया है क्या उसका अनुभव हुआ जिस विराट पुरुष का वर्णन शास्त्रों में आता है कि उस विराट पुरुष के रोम रोम में कोटी कोटी सृष्टिया समाई हैं क्या उस विराट पुरुष का साक्षात्कार हो गया ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो गया? क्या वो प्रेम जागृत हो गया अगर हो ही गया होता तो ना तो हिंदू मुस्लिम का गला काटता और ना ही मुस्लिम हिंदू को काफिर कहता क्या भविष्य के स्वप्न समाप्त हो गए कि मरने के बाद किसी और दुनिया में जाएंगे वैकुंठ में स्वर्ग में जन्नत में गोलोक में या अभी तक वही स्वपन विद्यमान है कि स्वर्ग में जाएंगे खूब सौम रस और रोज नई नई अफसा के साथ नमन करेंगे क्या केवल कुछ रुपयों के लिए ही इन मंदिरों मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हो या परमात्मा के दीवाने हो अल्लाह के दीवाने हो तुम भक्त कहलाने लग गए महात्मा कहलाने लग गए लंबा ऊंचा तिलक लग गया कंठी पहनने लग गए माला झोली ले ली लेकिन भीतर कुछ बदला क्या या वही बाजार का उपद्रव वैसा ही है या अभी तक कदम को अकादम में बदलने के ही उलझन में लगे हो अभी तक देह में ही फंसे हो या देहातीत से मुलाकात हो गई अभी तक केवल शास्त्रों को ही ढोया है या बोध जागृत हो गया अभी तक मूर्छा में ही हो या जाग गए अभी तक वर्षों से तुम भटक रहे हो पढ़े लिखे हो गए बुद्धिजीवी हो गए तभी तुम मुझे सुन रहे हो तभी तुम इस वीडियो को अब तक देख पाए क्योंकि मूड जो अभी तक किसी ना किसी दुख निवारण समारोह में जाकर अपना दुख दूर कराने के उपाय किए जा रहे हैं किसी तिलक छाप महात्मा जो नाम से तो ज्ञान यज्ञ लिखते हैं लेकिन जिन्हें अध्यात्म का आ भी नहीं पता वो केवल तीन घंटे की कथा में दो घंटा भजन वाले को बुलाकर नाच गाना दिखाकर तुम्हारा मन फैलाते हैं या वो दाढ़ी मूछ बढ़ाए तिलक लगाए महात्मा जो सदियों से तुम्हें किताबों की कहानियाँ किससे सुनाकर तुम्हें मूड बना रहे हैं उनमें से तो तुम्हारी गणना नहीं है क्योंकि अगर तुम उसी प्रकार की मूर्ता के पक्षधर होते तो शायद तुम अभी तक मुझे सुन ही नहीं रहे होते अब तक तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया होता क्योंकि मुझे तो वही सुनेगा जो अपने बोध का जागरण करना चाहेगा जो जागना चाहता है जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है जो समझ गया है कि यहाँ क्या दुख और क्या सुख सभी तो अस्थाई हैं, यह मौत सभी कुछ तो छीन लेगी जो इन भ्रमों को त्याग कर सत्य के दर्शन करना चाहता है जो अमृत को चखना चाहता है जो मृत्यु से पहले जीवन को पाना चाहता है जो कण कण में विराजमान परमात्मा का अनुभव करना चाहता है जो जीते जी परमात्मा को देखना चाहता है जिसने परमात्मा को मुक्ति को मोक्ष को निर्वाण को मृत्यु पर्यंत के लिए नहीं रखा है जो केवल मूड़ों की भांति मरने का ही इंतजार नहीं कर रहा है जो मरने से पहले जीना चाहता है जो इस जीवन में उत्साह लाना चाहता है जो इस अपने इस जीवन में रंग भरना चाहता है केवल वो ही मुझे सुन रहे होंगे क्योंकि उन्हीं को मैं कुछ दे सकता हूँ जो चाहते हैं उनका भी दीपक जले उनके भीतर भी ज्वाला जले उन्हीं को मैं कुछ दे सकता हूँ और कैसे होगा बुद्धत्व का उदय कैसे दिखेगा परमात्मा कैसे मिलेगी मुक्ति कैसे मोक्ष प्राप्त होगा कैसे निर्माण प्राप्त होगा कैसे हम उस अखंड अगोचर को समझ पाएंगे कैसे हम बूंद में सागर पर भर पाएंगे मैं इन्हीं के विषय में तुम्हें कुछ समझाता हूँ लेकिन चिंता मत करो मेहमत करना मैं ना तो तुम्हें कोई नया धर्म दे रहा हूं ना कंठी ना माला ना मंत्र ना जप तप न तिलक ना धोती न व्रत ना अनुष्ठान क्योंकि अगर तप से धूप में खड़े रहने से पानी में खड़े रहने से ही कुछ होता तो मनुष्य के अलावा सारे पशु पक्षी धूप में ही तो खड़े हैं तुम्हारी मानव की जनसंख्या से करोड़ों गुना ज़्यादा जनसंख्या जल चल जीवों की है अगर व्रत से ही कुछ होता तो लाखों व्यक्ति बेचारे भूख से मर जाते हैं उन्हें तो परमात्मा नहीं मिलता उन पशु पक्षियों को तो परमात्मा नहीं मिलता जो धूप में ही खड़े हैं सारा दिन धूप में रहते हैं शास्त्रों से ही अगर परमात्मा मिलता तो अब तक मिल गया होता तुम्हारे में से कितने ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अक्षर से अक्षर तक पूरे पूरे शास्त्र रटे हैं नहीं मैं कोई मोड़ता नहीं करवाऊंगा मैं तो अपने भीतर के दीपक को तुम्हें जलता हुआ दिखाऊंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा भी दीपक जलेगा मैं तो तुम्हें कुछ दूर उड़कर दिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी यकीन हो जाए कि तुम भी उड़ सकते हो मैं तो तुम्हें उस गुणातीत का उस तड़कातीत का उस अज्ञे का उस कणकण में विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार करवाऊँगा जिसके अनुभव होते ही तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी फिर तुम्हें सृष्टि नहीं शिष्टा दिखेगा फिर तुम्हारे लिए सागर का जल भी मीठा हो जाएगा फिर कांटे कोमल हो जाएंगे फिर कौआ कूकेगा का फिर सागर की लहरों में ब्रह्मनाथ सुनाई देगा उसके लिए तुम्हें केवल मुझे बावन वर्षों की जगह बावन हफ्ते देने हैं केवल सुबह शाम एक एक लेक्चर सुनना है और कुछ भी तो नहीं करना है बावन हफ्तों में अगर मैं तुम्हारे भीतर वो घटना ना घटवा सकूं, जिसको घटाने के लिए तुम पागलों की भांति तरफ रहे हो तो मुझे छोड़ देना मैं ना तो तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं और ना ही तुमसे कोई दक्षिणा मांग रहा हूँ मैं तो तुम्हें अपने पास भी नहीं बुला रहा हूँ मुझे तुमसे मिलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो और मेरे जीवन की मस्ती को देखो मेरे साथ दो चार कदम चलो कुछ दूर उड़ो मेरे साथ और जब तुम्हें उड़ना आ जाए तो फिर उड़ो चलो जीवन की एक लंबी उड़ान को उड़ चलो अपने अपने सहपाठी के साथ अपने अपने स्त्री पुरुष के साथ फिर तुम जीवन जियो उस परमात्मा को नंगी आंखों से देखते देखते फिर उस परमात्मा ने जो जीवन तुम्हें दिया है उसे तुम जी आंखें खोल कर जियो और पूरा पूरा जियो भ्रम मुक्त होकर जियो और सारी मूर्ताएं छोड़ कर जियो और हो सके तो लाखों औरों को जीना सिखाओ मैं संसार में बुद्धों की श्रृंखला बनाना चाहता हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी उस माला के फूल बनो महको और संसार को महंगाओ महकाओ तुम भी आगे आओ और संसार में बुद्धत्व की श्रृंखला बनाने में अपना अपना योगदान दो मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूँ वह आने वाले समय में पूरा पूरा जीवन दर्शन बनेगा वह तय करेगा कि अब मनुष्य भी सुखी रहेगा बुद्धत्व को उपलब्ध होगा जागेगा और प्रकृति के साथ अटकेलियाँ करेगा जैसे प्रकृति जैसे गुलाब महकता है जैसे सागर चहकता है जैसे हवा बहती है जैसे नदी अपना संगीत सुनाती है वैसे ही इस संसार में बुद्धों की एक श्रृंखला बनेगी और तुम सभी अपने आप को धन्य भागी और गर्व गौरवान्वित महसूस करोगे कि भविष्य के सुखी और समृद्ध संसार के निर्माण में तुम्हारा योगदान है आज इतना ही शेष किसी और दिन अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन तुम सभी जागो जागते रहो